राजवी, मैं तो तेरे पास ही आ रही थी। दो दिन से तेरा फोन ट्राई कर रही हूँ, फोन क्यों बंद रखा है? सुरेखा दी, कहाँ है तू? दो दिन से काम पे भी नहीं आई। सुपरवाइजर भी पूछ रहे थे, उसने तो तेरे सारे कॉल्स मुझे अटेंड करने लगा है। मैं तो कल ही तेरे पास आने वाली थी। दी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बोल ना, क्या हुआ? नहीं, फोन पे नहीं। क्यों, क्या हुआ? नहीं, फोन पे नहीं। ठीक है, मैं तो तेरे पास ही आ रही हूँ। अरे राजवी, सो क्यों रही हो? क्या हुआ? अब ठीक से बता, हुआ क्या है? दी, आप बिलीव नहीं करोगे, पर आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा कि ये बात आप किसी को नहीं बताओगे, मेरी मम्मी को भी नहीं। किसी ने काम पे कुछ कहा क्या? नहीं दी, ट्रेन में। पर आप बिलीव नहीं करोगे। राजू, तो मेरी छोटी बहन जैसी है, बोल ना क्या हुआ है। दी, आप जानते हो कि ये कॉल सेंटर का जॉब मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। पापा के इलाज में हमारे सारे सेविंग्स खत्म हो गए, और ये कॉल सेंटर का जॉब भी तो आप ही ने दिलाया था। अब दिन में पढ़ाई करके और रात में काम करके मुझे मेरे पापा का सपना पूरा करना है। राजू, मैं क्या तुझे आज से जानती हूँ, जब से तेरे पापा गुजर गए, तू कितनी मेहनत करके अपनी पूरी फैमिली को संभाल रही है। मुझे ठीक से बता, हुआ क्या है? उस रात जिस दिन आप काम पर नहीं आई थी, उस रात मेरा जॉब खत्म करके मैंने विरार की लास्ट ट्रेन पकड़ी। हमेशा की तरह लेडीज कंपार्टमेंट खाली था, तो मैं जेंट्स में चली। थोड़े बहुत लोग कंपार्टमेंट में थे। कुछ देर बाद मुझे नींद लगती है। अचानक एक औरत की आवाज से मेरी नींद खुल गई। मैं उसे ठीक से देख भी नहीं सकी। चारों ओर देखा तो मैं ट्रेन में अकेली थी। मुझे डर लगने लगा। तब तक ट्रेन बस्ती स्टेशन पे आ गई। मैं कंपार्टमेंट चेंज करने के लिए अगला स्टेशन वसईरो, पर कुछ लोग मेरे कंपार्टमेंट में चढ़े। वसईरो, मैंने सोचा दूसरे कंपार्टमेंट में कोई ना हो तो बस नेक्स्ट स्टेशन की तो बात है। मैं वापस आकर वहीं बैठ गई। गाड़ी के पायदानों पर सवारी करना। कुछ देर बाद वो मेरे पास आकर बैठे। तो मेरे साथ सुरेखा ने कर लिया। वापस आके वो तीनों को ट्रेन के बाहर फेंके गायब हो गई। मैं उसे ठीक से देख भी नहीं सकी। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तो वो बात अफवाह नहीं सच है? कौन सी बात थी? सुना है कुछ दिन पहले एक रात ट्रेन में कुछ गुंडों ने एक औरत की इज्जत लूटने की कोशिश की, पर उस औरत ने अपनी इज्जत बचाने के लिए ट्रेन से कूदकर अपनी जान दे दी। कई लोगों को उसका एहसास होता है, पर तो डर मत राजवी, हम जैसे लोगों के लिए वो रक्षक है जो उन जैसे कमीनों से हमारी रक्षा करती है।